हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इन द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले कार के जो वाइपर्स कंट्रोलर स्विच होती है, तो इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइपर्स कंट्रोलर स्विच दी होती है। तो दोस्तों, जो स्टेयरिंग होता है उसके लेफ्ट की ओर वाइपर्स कंट्रोलर स्विच दी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फंक्शन और कुछ सिम्बल दिए हुए। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो फंक्शन और जो स्विच होती है किस काम की होती है। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में जो वाइपर्स के बिना कार चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विंडशील्ड के ऊपर बारिश का जो पानी लगने की वजह से आगे का जो व्यू है हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, तो जिसकी वजह से कार चलाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, वाइपर्स के जो यहाँ पे कंट्रोलर होते हैं, जिसकी वजह से आप वाइपर्स की जो स्पीड है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरो है वो आपके फेस की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से पुल करेंगे, फेस की तरफ आपको खींचना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइपर्स है और जो वॉशर है वो दोनों ऑन हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे तो वाइपर्स और जो वॉशर है वो दोनों ऑन हो गए, जिससे आपकी कार का जो विंडशील्ड होगा वहां पे थोड़ी सी पानी लग गया है या फिर थोड़ी सी डस्ट लगी है, तो आप उसे क्लीन करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं वाइपर्स और वॉशर ऑन हो रहे हैं। तो दोस्तों, विंडशील्ड के ऊपर ज्यादा डस्ट लगी है तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे जो फंक्शन दिए हुए इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्ट लिखा हुआ है, MIST। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एरो है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसे प्रेस करना ऊपर की ओर, तो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों। तो मैं इसे किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे जो वाइपर्स है वो एक ही बार ऑन हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं इसे ऊपर कुछ इस तरीके से प्रेस कर रहा हूँ तो जो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है और वाइपर्स वो एक ही बार स्लाइड हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो फंक्शन है MIST कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि आपकी कार के जो विंडशील्ड होती है वहां पे पानी की जो बूंदी है वह गिर गई है और आप उसे क्लीन करना चाहते, तो आप इसे एक बार इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे जो वाइपर्स है वो ऑन हो गए, जिससे विंडशील्ड अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्ट के नीचे लिखा हुआ ऑफ, वाइपर्स को आप बंद करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जिससे वाइपर्स को बंद हो जाएंगे। और ऑफ के नीचे लिखा हुआ INT, इसका फुल फॉर्म है कि लो स्पीड विथ इंटरमिटेंट। तो इसका मतलब है कि वाइपर्स को आप रुक रुक के चलाना चाहते हैं, जैसे कि वाइपर्स के बीच में जो कुछ सेकंड का जो गैप रहे तो उस ऑप्शन को आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका INT लिखा हुआ है, इंटरमिटेंट, तो इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे INT लिखा हुआ है और यहाँ पे भी INT लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जो INT वाला जो ऑप्शन होता है उसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो लीवर दिया हुआ है, तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो वाइपर्स के बीच के जो गैप की जो सेकंड होती है उसको यहाँ से कम ज्यादा कर सकते, तो इसको मैं अभी हाई पे था, अभी इसे मैं लो पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नीचे ला देंगे तो लो पे रहेगा और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हाई पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन है वह धीरे धीरे से आपको बड़ी होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो मैं इसे ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसे लो पे रखा है, तो आप देखेंगे जो वाइपर्स है वो कितनी सेकंड में ऑन हो रहे हैं, तो इसके बीच की जो गैप होती है वो कितनी सेकंड की रहती है। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 सेकंड के बाद जो वाइपर्स है वो ऑन हो रहे हैं। तो मैं इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे वाइपर्स है वो कितनी सेकंड में ऑन हो रहे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 सेकंड में ऑन हो चुके हैं। तो अब देखेंगे, तो फिर से ऑन होते देते हैं, तो 2 से 3 सेकंड में ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप वाइपर्स के बीच में जो गैप की जो सेकंड है तो उसको यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन दोस्तों, बारिश के मौसम में आप बारिश है वो थोड़ी सी कम हो रही है और बूंदे जैसी गिर रही है, तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज करके वाइपर्स की जो बीच में जो गैप होती है उसकी सेकंड को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इस वाले ऑप्शन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब हल्की सी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बारिश की बूंदी आपको दिखाई दे रही होगी, तो हल्की सी बारिश हो रही है। तो इसको मैं अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ तो इसकी जो वाइपर्स की जो स्पीड है वो कितनी रहती है। तो अभी मैंने लो वाला जो ऑप्शन है वो ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइपर्स से कुछ इतनी स्पीड में घूमेंगे। तो हल्की सी बारिश हो रही है तब आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लिखा हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन को आप तभी यूज कर सकते हैं जैसे मूसलाधार बारिश गिर रही है तभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बारिश गिर रही है, तो मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वाइपर्स की जो स्पीड है वो कुछ इतनी रहेगी। तो ज्यादा बारिश गिरेगी तो उस वक्त जो वाइपर्स की जो स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आगे का जो व्यू है वो आपको अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा।
तो अभी मैं इसे अब बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों वाइपर्स के जो कंट्रोलर और जो स्विच होती है यहाँ पे और जो सिंबल होते हैं इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो INT लिखा और INT लिखा हुआ है, तो INT वाला जो ऑप्शन है आप ऑन करके तभी ये जो यहाँ पे जो स्विच देती है वह काम करेगी, दूसरे जो फंक्शन दिए हुए इसमें नहीं काम करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।